हेलो लर्नर्स, वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स। आई एम आकांक्षा और आज का वीडियो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये फोर्थ वीडियो है इस लेसन का और इसका टॉपिक मैंने लिया है मेल्टिंग, फ्यूजन एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं क्या है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि चैनल केमिस्ट्री नगेट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक क्या कह रहा है, मेल्टिंग एंड फ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग और फ्यूजन। तो जब कोई सॉलिड कोई लिक्विड में चेंज हो रहा है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लें आइस क्यूब है, आइस क्यूब सॉलिड है और अगर ये लिक्विड यानी कि पानी में बदलेगा तो इस जो पूरी जो इसके अंदर प्रोसेस होगी, जो मैकेनिज्म होगी सॉलिड से लिक्विड में बदलने की, इस पूरी प्रोसेस को हम कहेंगे मेल्टिंग और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं फ्यूजन। ठीक है, अब जब मेल्टिंग की बात करेंगे तो अब आया मेल्टिंग पॉइंट। तो the temperature at which the solid melts to the liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. कहने का तात्पर्य है कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पॉइंट पर एक सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम उस मैटर का मेल्टिंग पॉइंट मानते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे यहाँ पर प्रेशर की बात नहीं की गई है। प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा जैसे कि साधारण होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि सिंपल एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर प्रेजेंट है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाया गया है। अब एक बात और जो ध्यान रखने वाली है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.5 केल्विन। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है 273.5 केल्विन। इसका मतलब है कि आइस से वाटर में बनने में जिस टेम्परेचर की हमें ज़रूरत है, जिस टेम्परेचर पे आइस वाटर में चेंज होता है, वो क्या टेम्परेचर है, 273.5 केल्विन। इसे हमें याद रखना है, इसका यूज हमें बार बार न्यूमेरिकल्स करने में करना पड़ेगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब द चैनल केमिस्ट्री नगेट्स और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ऐसे ही न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।